संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव विजय भव आज से 30 साल पहले दिल्ली के द्वारिका की पावन भूमि पर समाज सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रीयता से ओतप्रोत एक ऐसे क्रांतिकारी नवयुवक का पदार्पण हुआ जो जनता की हर सुख दुख में साथ खड़ा रहता था। जनता इन्हें जब भी पुकारती वह हाजिर हो जाते थे। सबके बीच का यह सेवक द्वारका की हर समस्याओं की लड़ाई को एक आंदोलन बना दिया, जिससे प्रभावित होकर यहाँ की जनता ने इन्हें 2 बार विधायक बनाकर विधानसभा भेजा, जिन्होंने विकास का एक नया मॉडल तैयार कर दिया था। निर्भीक, निडर और जुझारू जननायक प्रद्युमन राजपूत फिर इस बार द्वारका विधानसभा से चुनाव मैदान में भाजपा प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं और यहां की जनता इन्हें भारी मतों से जिताने का मन में संकल्प ले लिया है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही। सबके बीच का सेवक प्रद्युमन राजपूत को फिर से जिताकर लाएंगे द्वारका में, हम सब मिलकर कमल खिलाएंगे। साफ सुथरी छवि और अपनी ईमानदारी से द्वारका वासियों का दिल जीतने वाले प्रद्युमन राजपूत द्वारका में प्रदूषित गंदे पानी के वितरण से त्रस्त जनता को निजात दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। सच तो यह है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा अनाधिकृत कॉलोनी होने के कारण इसके साथ भेदभाव किया जाता है और शुद्ध पेयजल नहीं दिया जाता है। द्वारका से भाजपा प्रत्याशी प्रद्युमन राजपूत अपनी दिन रात की कड़ी मेहनत से इन्हें फिर से यहाँ की जनता इन्हें विधानसभा में भेजने के लिए कमर कस ली है। पानी जगह जगह गंदा आ रहा है। पिछले दिनों हमारे विधानसभा में भी पूरी दिल्ली के अंदर गंदे पानी को लेकर के आवाज उठी और पानी की समस्या वास्तव में है। हमें मौका मिलेगा, जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा, हमें ऐसा विश्वास है, तो पानी हमारे इलाके में साफ आए इसके लिए हमारी कोशिश रहेगी। हर भर दी खुशियों से झोली, बंद थी राहे जो खोली, बोल रहे सब एक ही बोली, नामुमकिन अब मुमकिन है। हर मान चुका है देश सारा, जन जन का है एक ही नारा, ना होता था जो भारत में वो होना अब मुमकिन है। कैसे? अरे मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है, ओ अरे मोदी है तो मुमकिन है। प्रद्युमन राजपूत बीजेपी का चमकता हुआ सितारा है, गुंज रही है ये आवाज, यह जन जन का दुलारा है। आज द्वारिका विधानसभा के लोग सीवर लाइन के खुले होने से गंदगी के शिकार हैं और नरक जैसी जिंदगी जी रहे हैं। यहां से 2 बार विधायक रहे प्रद्युमन राजपूत ने लोगों को गंदगी और बीमारियों से निजात दिलाने के लिए कई बार आंदोलन किया, लेकिन सत्ता के नशे में चूर वर्तमान सरकार ने ध्यान नहीं दिया। प्रद्युमन राजपूत ने द्वारका के विकास के लिए 87 करोड़ रुपया मंजूर करवाया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन इस बार यहाँ की जनता ने यहाँ से ईमानदार और 24 घंटे जनता के लिए उपलब्ध रहने वाले जननायक प्रद्युमन राजपूत को जिताने का संकल्प ले लिया है। गली की हालत और गली की वीडियो बना के चेक करिए, 5 साल के अंदर कोई भी नेता ने अभी तक कोई भी काम नहीं किया है। आते हैं डेली, देखो सीवर वाले लगे हुए हैं, डेली काम करते हैं, डेली चले जाते हैं, पर कभी भी काम ओके नहीं होता। एक दिन भी ऐसा नहीं है 5 साल के अंदर गली में पानी नहीं भरता हो। देखिए आपको भी, आपके सामने हालात कैसे हो रहे हैं, रोज आए दिन बच्चे गिरते रहते हैं, लेडीज गिर जाती है और उनको खड़ा करना पड़ता, पत्थर लगा लगा के चढ़ते हैं बेचारे, सब सबका बुरा हाल है, गलियों का हाल है, बीमारियां फैल रही हैं। रोज शिकायत करने जाते हैं, रोज एक आधा बंदा कोई जाता है, थोड़ा बहुत पानी खोल कर चला जाता है, फिर ऐसे ऐसे पानी भर जाता है। अब देखो तुम्हारे सामने बच्चे निकल रहे बेचारे दीवारों पर चढ़ चढ़ के, रोज डेली 2-4 बच्चे गिरते गिरते हैं। एक दिन तो एक लड़की जिसके ऐसे सामान लेके जा रही थी बेचारी, आटा पन्नी में पन्नी छुट गई, उसके हाथ से वो भी गिर गई। मेरे एरिए के अंदर
पूरी द्वारका विधानसभा के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, उनमें सीवर की समस्याएं हैं, जगह जगह सीवर नहीं डले हुए हैं जल बोर्ड के, उसकी वजह से लोगों का सीवर का पानी सड़कों पर बहता है, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, सीवर का पानी जो है पानी की लाइन के अंदर मिक्स हो जाता है, लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता है, लोगों के मकानों के अंदर पानी जाता है, ये सारी समस्याएं हमारे इलाके के अंदर हैं। जब मैं चुनाव जीत करके आया उस समय सारी परेशानी का मुझे सामना पड़ा, गर्मी के अंदर जो है पानी की किल्लत रहती थी, सर्दियों के अंदर सीवर की समस्या रहती थी, पानी के लिए हमने लड़ाई लड़ी, धरने किए, प्रदर्शन किए, भूख हड़ताल की, केस बने और काम भी हमने काफ़ी कराया उसके अंदर, काफ़ी पानी को लेकर के हमने इम्प्रूवमेंट अपने इलाके के अंदर की। और उसके बाद बाकी की जो समस्या पानी की तभी दूर हो सकती थी जब सीवर की लाइन डल जाती, जब सीवर की लाइन और पानी की लाइन सेपरेट रहेंगी और सीवर की लाइन नहीं डल जाती तो पानी की जो शिकायत है मिक्सिंग की वो भी ख़त्म हो जाती। ये हमने उस समय प्रयास किया था पर वो काम ये लोग जो दो साल में हो जाना चाहिए था वो काम ये नहीं करा पाए। प्रद्युमन राजपूत सेवक ही नहीं है क्रांति का आगाज, सबके सुख दुख का साथी है जन जन की आवाज। इस बार भी द्वारका विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रद्युमन राजपूत को गरीबों का मसीहा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिन्होंने असहाय और आर्थिक रूप से कमजोर 7000 वृद्ध जनों, विधवाओं और दिव्यांग जनों को पेंशन की सुविधा दिलाकर इनके चेहरे पर खुशियां लाई। जब इस विधानसभा क्षेत्र से प्रद्युमन जी MLA थे तो उन्होंने 7000 विधवाओं को पेंशन दिलवाई, जिनको बहुत परेशानियां थी, जिनके घर नहीं चलते थे, खाने को रोटी नहीं मिलती थी, उन लोगों को पेंशन दिलवाई और बहुत बहुत काम किए। अपने कार्यकाल में 7000 पेंशन दिलवाई जिसमें दिव्यांग भी थे, विधवा भी थी, और अपने कार्यकाल में उन्हें बहुत अच्छा काम किया। हम अब की बात श्री प्रद्युमन जी को भारी बहुमत से जिताएंगे। मैं श्यामलाल गुप्ता द्वारका विधानसभा का निवासी हूँ। मैं प्राइवेट जॉब करता था इसलिए मेरी कोई पेंशन नहीं थी, मैं काफ़ी परेशान था, लेकिन जब प्रद्युमन जी पहले चुनाव लड़ करके MLA हुए तो उस समय बड़ी आसानी से इन्होंने मेरी पेंशन विशेष की पेंशन दिलवाई उस, और वो लगातार चल रही है जिससे हमारा काफ़ी ऊपर का खर्चा हो रहा है। मैं जब चुनाव पिछली बार जीत के आया मेरे से पहले जिन गरीब लोगों की यहाँ पेंशन लगती थी, बुजुर्गों की, हमारे जो है सीनियर सिटीजन की, विडो की, हैंडीकैप की जो पेंशन लगती थी, हर पेंशन के अंदर पैसे खाए जाते थे, हर पेंशन में मुझे मालूम है। जब मैं आया तो मुझे मैंने सबसे पहले यही काम किया कि किसी भी व्यक्ति को, गरीब आदमी को जिसकी पेंशन लग रही है उसको कहीं भी पैसे देने की जरूरत ना बने, उसकी पेंशन लगे। और हमें यह मौका मिला, हमने लगभग 7000 पेंशन लोगों की लगवाई है। हमारी कोशिश रही कि चुनाव जीत के आएंगे तो जो जरूरतमंद लोग हैं उनको पेंशन मिले, उनको किसी तरह की दिक्कत और परेशानी ना हो। चोर उचक के लूटेरों के बहकावे में नहीं आएंगे, कमल का बटन दबाकर प्रद्युमन राजपूत को जिताएंगे। द्वारका विधानसभा में 90% अनाधिकृत कॉलोनियां हैं, जहां के लोग अपने इन अनाधिकृत मकानों के अधिकृत नहीं होने से अपने घर को लेकर असुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन मोदी सरकार ने जब से द्वारका सहित दिल्ली के 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों के 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देकर और उसका तुरंत रजिस्ट्रेशन शुरू करवाया है, उसे द्वारका में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। द्वारका की जनता फिर एक बार इस बार के विधानसभा चुनाव में द्वारका से जांचा, परखा और खरा भाजपा प्रत्याशी प्रद्युमन राजपूत को भारी मतों से जिताने का संकल्प ले लिया है। प्रद्युमन राजपूत को फिर से जीता कर लाएंगे द्वारका में, हम सब मिलके फिर से कमल खिलाएंगे। अनऑथराइज कॉलोनी का फायदा लोगों को मिलेगा, सारी दिल्ली को फायदा मिलेगा, पक्का काम होने जा रहा है, पहली बार होने जा रहा है और पूरी दिल्ली के अंदर ये आज तक कभी नहीं हुआ, ना कांग्रेस पार्टी ने किया, ना आप पार्टी ने किया, बीजेपी ने किया, हमारे मोदी जी ने किया, और ये अब रजिस्ट्रियां भी शुरू हो गई हैं,
लोगों को फायदा होगा, मालिकाना हक मिलेगा, लोन मिल सकेगा और अपने मकान की जो इतना पैसा लगा करके लोगों ने किया था और कच्ची कॉलोनी का जो निशान, मतलब कच्ची कॉलोनी हम कहते थे, अनऑथराइज कॉलोनी कहते थे, इन लोगों के मन में भी आता था। तो सारी सब चीज़ें अब जो हैं इन क्षेत्र के अंदर विकास भी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम होंगे और मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने दिल्ली की जनता को बहुत बड़ा तोहफा दिया है और लोग खुश हैं। आने को धरती का कर्ज चुकाने को, भारत का मान बढ़ाने को, मैं कमल खिलाने आया हूँ, 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 मैं कमल खिलाने आया हूँ। पल पल बढ़ती महंगाई को, चोरी की एक एक पाई को, काले धन की परछाई को, मैं ग्रहण लगाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ। बहकावे में न आकर बस कमल का बटन दबाएंगी, फिर द्वारका से एक बार प्रद्युमन राजपूत को जिताएंगी। जब से केंद्र की मोदी सरकार ने धारा 370 हटाए जाना, राम मंदिर निर्माण और तीन बार बोलकर तलाक देने का मुद्दा को गैर कानूनी बनाया है, इससे दिल्ली के द्वारका वासी यह मन में ठान चुके हैं कि द्वारका से राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत प्रद्युमन राजपूत को ही विधानसभा चुनाव में जिता कर भेजना है। और ये जो 5 साल की सरकार रही है, इसने सिर्फ धोखा और झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं किया। जब प्रद्युमन राजपूत जी यहाँ के विधायक थे, उन्होंने जो एक प्रोजेक्ट पास करवाया था 87 करोड़ रुपए का सीवर लाइन का, जिससे कि पानी की और सीवर लाइन की समस्या दूर होनी थी, उसको भी ये 5 साल में ये सरकार ने पूरा नहीं किया। पास प्रोजेक्ट के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब 3 महीना बचा है विधानसभा का चुनाव का, उस टाइम में सारे गलियों को खोद करके बनी बनाई काम को 4 साल तक लटका के रखा और 3 महीना जब टाइम बचा तो सारी गलियों को खोद करके अब चले हैं सीवर लाइन की पाइप डलवाने के लिए। सारे गलियों का बहुत बुरा हाल हो रखा है और मुझे इस विधानसभा में रहते हुए उम्मीद नहीं है कि इस सरकार के दोबारा आने से ये काम होगा पूरा, जो कि 4.5 साल में नहीं किया, वो अब आगे आकर के क्या करेगी। इस द्वारका विधानसभा का पब्लिक उग चुकी है इस सरकार से और एक अच्छी सरकार को देखना चाहती है। जब मेरा कार्यकाल और यहाँ जो आप पार्टी के पहले रहे उनका और यहाँ पर महाबल मिश्रा परिवार का जो कार्यकाल रहा है उसको जो है सब लोग जानते हैं। जब तुलना करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उन सब के अंदर हमारे लिए लोगों की विश्वसनीयता ज़्यादा है, हमारे प्रति भरोसा ज़्यादा है और मुझे आशीर्वाद यहाँ के लोगों का मिलेगा, द्वारका में कमल खिलेगा और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मेरा संकल्प द्वारका विधानसभा वासियों से, अपने मन मंदिर के सपनों को जमीन पर हम बसाएंगे, द्वारका के घर आंगन में एक नया सबेरा लाएंगे। द्वारका विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार प्रद्युमन राजपूत के सपनों की उड़ान एक परिंदे की तरह है, जो चुनाव जीतने के बाद द्वारका की गली गली में अपने मन मंदिर में पल रहे अनेक सपनों को जमीन पर उतारना चाहते हैं, जिसमें घर घर साफ पानी, गली गली में व्यवस्थित सीवर लाइन का विस्तारीकरण, नगर वन पार्क के पुराने हिस्से के साथ अन्य इलाकों में बारात घर का निर्माण, दिल्ली कैंट की तरफ जाने वाले सागरपुर नाले को पूरी तरह से कवर करवा कर एक रोड का निर्माण, इंदिरा पार्क नाला को कवर करवा कर एक रास्ता बनाना, पब्लिक लाइब्रेरी का निर्माण, बेरोजगारी दूर करने हेतु रोजगार मेला का आयोजन, ओपन और इंडोर जिम का निर्माण, हेल्थ सेंटर और मल्टी लेवल कार पार्किंग निर्माण आदि प्रमुख है। हमें मौका मिलेगा, जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा, हमें ऐसा विश्वास है, तो पानी हमारे इलाके में साफ आए इसके लिए हमारी कोशिश रहेगी, पूरे इलाके के अंदर सीवर डल जाए इसकी कोशिश रहेगी, सारे इलाके के अंदर सड़कें बन जाए, ये सारी चिंता हम करेंगे कि ये सब काम जल्दी से जल्दी हो, इलाके के अंदर शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, स्कूल नए खुले, बारात घर बने, यहाँ पर एक नगर वन पार्क था वो भी बंद करा दिया, नए बारात घर इन लोगों ने नहीं बनाए, सुरक्षा की व्यवस्था हो, ये सब प्रयास हमारे रहेंगे यहाँ पर।
और पास के क्षेत्र में हमारे पास यहाँ काफ़ी ज़मीन पड़ी है डीडीए की। मेरी कोशिश रहेगी यहाँ पर जो है मल्टी लेवल कार पार्किंग बने, बारात घर बने, यहाँ लाइब्रेरी खुले, इसके अंदर पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ें सारी बने। साथ ही साथ जो है हमारे साथ में इंदिरा पार्क के अंदर ये नाला जा रहा है बड़ा, तो जिस तरह से सागरपुर नाला पूरा ढका, तो हमारा प्रयास है कि इस नाले को पूरा का पूरा ढके और दशरथपुरी तक जो है, ताकि बीच में हमारे इलाके के लिए एक नया रास्ता निकले और लोगों को आवागमन की सुविधा हो, ये मेरा प्रयास रहेगा।